खरगोन जिले में शून्य छाया दिवस के दिन परछाई ने कुछ समय के लिए सभी का साथ छोड़ दिया था, जिसे विज्ञान शिक्षक ने प्रयोग करके दिखाया है। हम आपको बता दें कि सूर्य उत्तर दिशा में केवल वर्ष भर में दो दिन ही उगता है और इस दिन दोपहर के समय सर के ऊपर ठीक सूरज चमकता है। इस दौरान मीडिया चर्चा में उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और वर्ष में दो बार उत्तरायण से दक्षिणायन की दशा में बनने पर परछाई नहीं दिखती है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। रहता है कि जो शून्य छाया दिवस होता है उस दिन सूर्य जो है वो हमारे ठीक सिर के ऊपर से जाता है और जब कोई लाइट किसी वस्तु के ऊपर आता है तो उसकी परछाई उस समय के लिए दिखाई नहीं देगी। तो आज का जो दिन था इस दिन क्या हुआ कि सूर्य एग्जैक्ट पूर्व दिशा के मेन पॉइंट से उदय हुआ है और ऐसा साल में दो बार होता है। चूँकि पृथ्वी हमारी 23.2 डिग्री झुकी हुई रहती है जिस वजह से सूरज की जो किरणें हैं सब जगह एक जैसी नहीं आती है, अलग अलग आती है, तो वो दिन और समय के हिसाब से हर दिन अलग अलग होता है। तो यह जो शून्य छाया दिवस है इसमें मकर रेखा से लगाकर कर्क रेखा के बीच के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर इस दिवस को देखा जाता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ पल के लिए जो दोपहर का समय होता है जिसको लोकल नून समय कहते हैं उस समय वो छाया शून्य हो जाती है। यदि हम खड़ेंगे तो हमारी परछाई हमें नज़र नहीं आएगी, पैरों में चली जाएगी। क्या नाम सर आपका? नरेंद्र कर्मा, विज्ञान शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय मोठापुरा, संकुल लोनारा से, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।